हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिश बोन डायग्राम के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फिश बोन डायग्राम होता क्या है उसके बारे में। तो फिश बोन डायग्राम को जो है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहा जाता है, या फिर इसको इशिकावा डायग्राम भी कहा जाता है। फिश बोन जो डायग्राम है ये एक ग्राफिकल मेथड है, उसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे जो पॉसिबल कॉजेस होते हैं, वो भी इफेक्ट के लिए या फिर प्रॉब्लम्स के लिए। फिशबोन डायग्राम की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हो या फिर इफेक्ट है, तो उसके बहुत सारे ऐसे पॉसिबल कॉजेस क्या है वो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो फिशबोन डायग्राम है इसको हमें कब इस्तेमाल करना है उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसका इस्तेमाल हमें तब करना है जब प्रॉब्लम्स के लिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके पॉसिबल कॉजेस क्या है। फिर उसके बाद है कि जब टीम की जो थिंकिंग है वो जब रट्स में चली जाती है, तब उस वक्त जो है हम फिशबोन डायग्राम का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं फिशबोन डायग्राम के प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि जो प्रॉब्लम्स है उसके कॉजेस का क्या यहाँ पर मेजर कैटेगरीज है, उसको हमें यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म जो है वो करना होता है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो आप जो है कुछ जो जेनरिक हेडिंग्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला है मेथड्स, फिर उसके बाद है मशीन्स या फिर इक्विपमेंट, फिर उसके बाद है पीपल यानी कि मैन पावर हो गया, फिर उसके बाद है मटेरियल्स, फिर उसके बाद है मेजरमेंट और फिर उसके बाद है इन्वायरमेंट। तो ये जो छह है ये यहाँ पर मेजर कैटेगरीज है वो भी कॉजेस की, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसके कॉजेस क्या है, तो उस कॉजेस के यहाँ पर हमने मेजर जो कैटेगरीज है उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब एग्जाम्पल है कि कार में जो है ज्यादा पेट्रोल का जो है यहाँ पर कंज्यूमशन होता है। अब ये जो एग्जाम्पल है मतलब यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई, ये यहाँ पर इफेक्ट हो गया। अब हमें जो है यहाँ पर फिशबोन डायग्राम की मदद से जो है इसके प्रॉब्लम के कॉजेस क्या है और इसके मेजर जो कैटेगरीज क्या है उसको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो सबसे पहले जो है हम इसके जो मेजर कैटेगरीज है जो हमने छह यहाँ पर इसके पहले देखे थे उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि हमने जो है यहाँ पर डिफाइन कर लिया है वो भी एक फिशबोन डायग्राम की मदद से। तो यहां पर है मशीनरी हो गया, मेथड हो गया, पीपल हो गया, मटेरियल हो गया, मेजरमेंट हो गया और एनवायरमेंट हो गया। अब इस प्रॉब्लम के मेजर कैटेगरीज क्या हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। अब इस प्रॉब्लम के क्या कॉजेस हो सकते हैं जो इस कैटेगरी में आ सकते हैं उसको अभी हमें देखना है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम है या फिर इफेक्ट है कि कार में जो है पेट्रोल का यहाँ पर ज्यादा जो है वो कंज्यूमशन हो रहा है। तो अगर हम पहली कैटेगरी की अगर बात करें यानी कि लोगों की अगर बात करें तो इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर जो है मेंटेनेंस जो हैबिट है वो यहाँ पर इम्प्रॉपर हो सकती है, या फिर वहां पर जो है ओनर का यहाँ पर जो है मैनुअल नहीं हो सकता है, या फिर ड्राइविंग जो हैबिट है वो उसकी सही नहीं हो सकती है, या फिर जो ड्राइवर है वो यहाँ पर अनट्रेन हो सकता है। तो ये जो है ये इसके कॉजेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेजर कैटेगरी के बारे में जो है मेथड। अब इस मेथड कैटेगरी में क्या कॉजेस आ सकते हैं, जैसे कि वो जो पर्सन है वो यहाँ पर फास्ट ड्राइविंग कर सकता है, या फिर वो जो है रॉन्ग गियर को जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, तो ये भी जो है ये कॉजेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद है मशीनरी, तो मशीनरी की कैटेगरी में यहाँ पर आ सकता है जैसे कि टायर का जो प्रेशर है वो सही से ना हो, तो वो जो है वो इसमें आ सकता है, या फिर जो कार के पिस्टल्स है वो यहाँ पर वोन आउट हो गए हो वो भी यहाँ पर हो सकता है। फिर उसके बाद है मटेरियल की कैटेगरी, तो इसके अंदर कॉजेस आ सकते हैं जैसे कि गलत ऑयल का यहाँ पर इस्तेमाल करना, या फिर लुब्रिकेशन जो है वो सही से ना करना, या फिर पुअर क्वालिटी का जो पेट्रोल है उसका इस्तेमाल करना, तो ये भी जो है ये कॉजेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद है मेजरमेंट कैटेगरी, तो इसके अंडर जो है वो कॉजेस आ सकता है जैसे कि ओडोमीटर को जो है प्रॉपरली यहाँ पर रीसेट ना करना। फिर उसके बाद है इन्वायरमेंट की कैटेगरी, तो इसके अंदर जो है वो कॉज आ सकता है जैसे कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होना। तो इस प्रकार जो है ये जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो इफेक्ट्स है तो इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं और वो जो कॉजेस है वो कौन सी कैटेगरी में आ सकते हैं, तो ये जो है ये हम फिशबोन डायग्राम की मदद से जो है यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा फिशबोन डायग्राम के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।